रीच मतलब रिसोर्स ग्रुप फॉर एजुकेशन एंड एडवोकेसी फॉर कम्युनिटी हेल्थ ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में गैर संचारी रोगों के मसले पर विज्ञान जगत एवं मीडिया जगत के लोगों मिलकर काम करने की अहमियत को लेकर एक गोलमेज चर्चा की मेजबानी की, जिसका शीर्षक था नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज यानी NCD ब्रिंगिंग साइंस एंड मीडिया टुगेदर। इस महत्वपूर्ण आयोजन में विविध पक्षों ने भाग लिया और गैर संचारी बीमारियों के बढ़ते बोझ के विषय पर चर्चा करी गई। जन स्वास्थ्य और जागरूकता के बढ़ते अभाव एवं समस्या का प्रसार घटाने के प्रभावी उपायों पर विचार मंथन किया। इस चर्चा का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जागरूकता को बढ़ाया जाए और स्वास्थ्य पेशेवरों, नीति निर्माताओं एवं मीडिया प्रतिनिधियों के बीच तालमेल कायम किया जाए। इस गोलमेज चर्चा में रीच अलाइज के प्रोजेक्ट लीड एवं वरिष्ठ सलाहकार रीच व उसके मिशन से उपस्थित जनों को परिचित कराया। उन्होंने बताया कि यह लाभकारी संस्था भारत में सभी के लिए एक समान स्वास्थ्य के ध्येय पर अग्रसर है। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य के मामले में सटीक मीडिया रिपोर्टिंग अत्यंत अहम है, खासकर तब जब हमें गैर संचारी रोगों के फैलाव से मुकाबला करना है। सटीक व साक्ष्य आधारित सूचना प्रदान करके पत्रकार पेचीदा स्वास्थ्य मसलों को समझाने, स्वास्थ्यकर व्यवहार को बढ़ावा देने और गैर संचारी रोगों के असर को घटाने के अभियानों पहलों में सहायता कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम ये सुनिश्चित करें कि जनता को विश्वसनीय सूचना मिले, ताकि वे सूचना युक्त निर्णय ले सकें और इसके परिणाम स्वरूप हमारा समाज स्वस्थ बनेगा। अगले सत्र का शीर्षक था अंडरस्टैंडिंग NCD इन इंडिया। इसमें चर्चा का अवलोकन प्रस्तुत किया गया, जिसने इस आयोजन की कार्यवाही की दिशा तय की। इस सत्र में डॉक्टर सुनीला गर्ग ने एक जानकारी पूर्ण प्रेजेंटेशन दी। आप मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में निदेशक प्रोफेसर तथा कम्युनिटी मेडिसिन की प्रमुख हैं। प्रेजेंटेशन के बाद अनुभवी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर बीना बंसल उनके साथ जुड़ी और एक शिक्षाप्रद बातचीत हुई। डॉक्टर गर्ग ने बतौर डॉक्टर और साथ ही जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ के तौर पर अपनी दोहरी भूमिकाओं के आधार पर अपनी राय साझा की। उन्होंने कहा, गैर संचारी रोगों के फैलाव को रोकने के लिए बीमारी की शीघ्र पहचान, निवारक स्वास्थ्य सेवाएं तथा जीवन शैली परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमें लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधियों एवं धूम्रपान त्यागने की अहमियत पर शिक्षित करना होगा। इसके अलावा रोगी देखभाल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्रोनिक स्थितियों के मैनेजमेंट में बहुत सुधार किया जा सकता है। हेल्थ केयर इकोसिस्टम के लिए ये बहुत अहम है कि निवारक एवं प्रोत्साहक उपाय अमल में लाए जाएं, जिससे कि दीर्घकालिक सेहत एवं कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने डॉक्टर सुनीला गर्ग से बात करी, इस पर उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। चेयर ऑफ प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और मैं प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज भी रह चुकी हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि आज की जो चर्चा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर, ये एक बहुत ही अहम चर्चा है, क्योंकि आज के दिन अगर हम देखें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एक हमारा डिसेबिलिटी और डेथ का एक इम्पॉर्टेंट कारण बनते जा रहे हैं। और जैसे कि हम कहते हैं चार मेजर डिजीज़, डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, कैंसर है, या हमारा स्ट्रोक है, ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे लगातार, तो हम देखेंगे कि हम अपने बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम इसको कंट्रोल में ला पाएंगे। परंतु इम्पॉर्टेंट है चर्चा करना और जो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं उन पे अमल करना, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं हमारे कारण क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के, फिजिकल इनएक्टिविटी, हमारा वेट का बढ़ना, हमारे जो डिजीज़ हैं ऑलरेडी, चाहे वो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हमारी लिपिड प्रोफाइल है, वो हमारी कंट्रोल में नहीं रहती, तो उसकी वजह से होना। और कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि एज, बढ़ती हुई एज हमारी है, या फीमेल्स ज़्यादा वल्नरेबल हैं, या हमारी फैमिली हिस्ट्री है, तो उसमें हमें ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। परंतु मैं ये कहूँगी कि भारत सरकार ने इस दिशा में बहुत ही अहम कदम उठाए हैं। हमारे जिला अस्पताल या इवन टर्शरी हॉस्पिटल, जो कि जिसमें हमारे मेडिकल कॉलेजेस और स्पेशलाइज हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, उससे लेके हम अगर करें हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक, ये पूरा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रोग्राम है प्राइवेट पार्टनर्स की साथ लेके ये पूरा लास्ट मील तक हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने चर्चा भी करी थी प्रधानमंत्री डायलिसिस अभियान की। पहले हम आप देखेंगे कि डायलिसिस पे कितना खर्चा आता है, हमारे पास में अब हर एक ज़िले में डायलिसिस यूनिट है जिसके द्वारा फ्री डायलिसिस हम कर सकते हैं। कैंसर के लिए हमारे पास में जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ को हम जांच कर सकते हैं, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन के लिए हमारे पास में दवाइयां उपलब्ध हैं, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य हमारा जो अभियान है उसके द्वारा हर एक को
आज हम कहते हैं कि पूरे परिवार को जो है सुविधा मिलेगी 5 लाख रुपए पर पर्सन की, पहले हम 5 लाख रुपए पर फैमिली की बात करते थे, तो वो इसे जाके अपना इलाज इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से भी करा सकते हैं। परंतु ज़्यादा आवश्यक है इस समय कि हम इसके प्रति हम सतर्क रहें। नंबर एक, सबसे पहले हमारी अर्ली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है हमारा हेल्थ प्रमोशन, यानी कि हम इलनेस की तरफ ना जाके हम वेलनेस की तरफ जाएं। और हमारे स्कूल एम्बेसडर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट इस में अहम रोल प्ले कर रहे हैं, जिसको कि हम स्कूल एम्बेसडर्स का नाम देते हैं। ये एक नीति आयोग की एक बहुत अहम पहल है इस दिशा में। कुछ राज्यों में जो है कि आयुष्मान योजना लागू नहीं, तो वो इसका बेनिफिट कैसे ले सकते? देखिए, ये तो सबसे पहले तो ये कि इसको आखिरी मील तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें भी स्ट्रक्चर सारे बने हुए हैं, उन 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 राज्यों में भी सब सेंटर्स हैं, सब हैं। परंतु ये कहेंगे कि लोगों में जागृति लाना और सभी सुविधाएं, यानी कि प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, अर्ली डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। परंतु ये हम कहेंगे कि अगर कुछ राज्य में कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो रही, हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो सब राज्यों में बिना किसी उसके उपलब्ध होनी चाहिए और ये आखिरी मील तक पहुँचनी चाहिए। चेयर ऑफ प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और मैं प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज भी रह चुकी हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि आज की जो चर्चा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर, ये एक बहुत ही अहम चर्चा है, क्योंकि आज के दिन अगर हम देखें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एक हमारा डिसेबिलिटी और डेथ का एक इम्पॉर्टेंट कारण बनते जा रहे हैं। और जैसे कि हम कहते हैं 4 मेजर डिजीज़, डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, कैंसर है, या हमारा स्ट्रोक है, या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे लगातार, तो हम देखेंगे कि हम अपने बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम इसको कंट्रोल में ला पाएंगे। परंतु इम्पॉर्टेंट है चर्चा करना और जो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं उन पे अमल करना, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं हमारे कारण क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के, फिज़िकल इनएक्टिविटी, हमारा वेट का बढ़ना, हमारे जो डिजीज़ हैं ऑलरेडी, चाहे वो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हमारी लिपिड प्रोफाइल है, वो हमारी कंट्रोल में नहीं रहती, तो उसकी वजह से होना। और कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि एज, बढ़ती हुई एज हमारी है, या फीमेल्स ज़्यादा वल्नरेबल है, या हमारी फैमिली हिस्ट्री है, तो उसमें हमें ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। परंतु मैं ये कहूँगी कि भारत सरकार ने इस दिशा में बहुत ही अहम कदम उठाए हैं। हमारे जिला अस्पताल या इवन टर्शरी हॉस्पिटल, जो कि जिसमें हमारे मेडिकल कॉलेजेस और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, उससे लेके हम अगर करें हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक, ये पूरा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रोग्राम है प्राइवेट पार्टनर्स की साथ लेके ये पूरा लास्ट मील तक हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने चर्चा भी करी थी प्रधानमंत्री डायलिसिस अभियान की, पहले हम आप देखेंगे कि डायलिसिस पे कितना खर्चा आता है, हमारे पास में अब हर एक ज़िले में डायलिसिस यूनिट है जिसके द्वारा फ्री डायलिसिस हम कर सकते हैं। कैंसर के लिए हमारे पास में जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ को हम जांच कर सकते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के लिए हमारे पास में दवाइयां उपलब्ध हैं। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य हमारा जो अभियान है उसके द्वारा हर एक को, आज हम कहते हैं कि पूरे परिवार को जो है सुविधा मिलेगी 5 लाख रुपए पर पर्सन की, पहले हम 5 लाख रुपए पर फैमिली की बात करते थे, तो वो इसे जाके अपना इलाज इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से भी करा सकते हैं। परंतु ज़्यादा आवश्यक है इस समय कि हम इसके प्रति हम सतर्क रहें। नंबर एक, सबसे पहले हमारी अर्ली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है हमारा हेल्थ प्रमोशन, यानी कि हम इलनेस की तरफ ना जाके हम वेलनेस की तरफ जाएं। और हमारे स्कूल एम्बेसडर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट इस में अहम रोल प्ले कर रहे हैं, जिसको कि हम स्कूल एम्बेसडर्स का नाम देते हैं। ये एक नीति आयोग की एक बहुत अहम पहल है इस दिशा में। कुछ राज्यों में जो है कि आयुष्मान योजना लागू नहीं, तो वो इसका बेनिफिट कैसे ले सकते? देखिए, ये तो सबसे पहले तो ये कि इसको आखिरी मील तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें भी स्ट्रक्चर सारे बने हुए हैं, उन 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 राज्यों में भी सब सेंटर्स हैं, सब हैं। परंतु ये कहेंगे कि लोगों में जागृति लाना और सभी सुविधाएं, यानी कि प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, अर्ली डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। परंतु ये हम कहेंगे कि अगर कुछ राज्य में कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो रही, हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो सब राज्यों में बिना किसी उसके उपलब्ध होनी चाहिए और ये आखिरी मील तक पहुँचनी चाहिए।